गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? देखो, पिछली बार हमने बंटी बदल गया ये पार्ट हमने पढ़ा है ना, उसका पेज नंबर 30 और 31 हमने कंप्लीट किया है ना। तो अभी उसके बाद हमें देखो बुलबुल और पेड़, अभी बंटी बदल गया ये भी हमें ग्रामर के लिए लेसन है, इसे हम समान अर्थ वाले शब्द, उलट अर्थ वाले शब्द हम बाद में सीखेंगे, वो वर्कशीट आपके पास है। लेकिन अभी हम क्या सीखेंगे? बुलबुल और पेड़। देखो बच्चों लोग, आपको पेड़ से प्यार है क्या? पौधों से प्यार है क्या? आपको पौधे लगाना अच्छा लगता है क्या? जब पेड़ पर फल आते हैं, फूल आते हैं, तो हमें कितना आनंद मिलता है ना। और सब कुछ तो हमें पेड़ से ही मिलता है ना, है ना। हमें पेड़ से देखो क्या क्या मिलता है ना। शुद्ध हवा मिलती है हमें पेड़ से, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, दवाइयाँ मिलती है, सब कुछ हमें। हम जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे मिलते हैं? कॉटन से ही तैयार होते हैं। लेकिन कॉटन पहले कहाँ तैयार होता है ना, पेड़ में ही तैयार होता है ना। तो सब कुछ हमें पेड़ से मिलता है, तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सिर्फ लगाने चाहिए क्या? नहीं, उनकी उनका संरक्षण भी करना चाहिए, उनको पानी भी देना आता चाहिए, सब कुछ उन पर ध्यान देना चाहिए, बढ़ रहे हैं कि नहीं। जैसे पेड़ पौधों पर हम प्यार करते हैं, वैसे हमें प्राणियों, पशु पक्षियों पर भी प्यार करना चाहिए, उनको भी खाना देना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं जो हमारे आंगन में, हमारे देखो हम अभी बिल्डिंग में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो हमारे गैलरी में भी रखते हैं ना खाना, है ना। कौन जवार रखते हैं, कौन देखो अलग अलग देखो खाना बच्चों पशु पक्षियों के लिए रखते हैं ना। तो वो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो पशु पक्षियों को प्यार करते हैं। वैसे ही हमें पेड़ पौधों को भी प्यार करना चाहिए, उनको उनको हमें जगाना चाहिए। पेड़ पौधे होंगे तो हम तो हमें देखो सब कुछ मिल सकता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे है ना, बारिश क्यों गिरती है? बारिश क्यों गिरती है? क्योंकि देखो पेड़ है इसलिए बारिश गिरती है ना। हाँ, आप अभी बड़े होंगे, साइंस सीखेंगे तो आपको समझेगा कि बारिश कैसे गिरती है, ये आपको EVS में होगा, साइंस में होगा, है ना। तो पेड़ पौधों के ही वजह से बारिश गिरती है। हमें ठंड कैसी लगती है? हमें ठंडी कैसी लगती है? जाड़ा कैसे होता है? क्योंकि हमारे हमारे सब आसपास झाड़ियाँ होती है, तभी हमें ठंडा हवा मिलती है ना। वैसे ही हमें हमारे हमारे आसपास, हमारे आंगन में हमें एक तो भी पौधा हमें लगाना है। देखो ये पाठ में देखो एक पक्षी है और उसने पक्षी होकर भी देखो पौधा लगाया है और पौधे का संरक्षण किया है। तो हम तो घर में खाना खाकर रहते हैं, लेकिन सब खाना कहाँ से आता है ना, खेतों में ही आता है ना। तो खेती भी करना, खेती करने में भी कितना महत्व है ये हमें समझना चाहिए। तो देखो हमें पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है, पेड़ पौधों की देखभाल कैसी करनी चाहिए, है ना, पेड़ कैसे उगते हैं, है ना। अभी देखो ये हम ये पाठ से ये कहानी पर, बहुत ही सुंदर कहानी है ना। आप अपने हाथ में पेंसिल लो और जो कठिन शब्द है उसको रेखांकित करो, और लेक्चर ख़त्म होने के बाद वो आप अपनी नोटबुक में लिख लो। यहाँ मैंने आपको हार्ड वर्ड्स भी, कठिन शब्द शब्दार्थ दिए हैं, है ना। तो शब्दार्थ बाद में, लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप नोटबुक में लिख कर लो, जो पीछे जो शब्दार्थ है वही वो शब्दार्थ है। हाँ, देखो पेंसिल हाथ में लो, हम शुरुआत करेंगे। दो दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी, दो दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मूसलाधार वर्षा, उसका अर्थ क्या है? तेज बरसात। क्या हो रहा था? बारिश बहुत ही गिर रही थी। और कितने दिनों से? दो दिनों से। रह रह कर बादल गरज रहे थे। क्या गरज रहे थे? बादल। आवाज़ आता है ना हमको, है ना। तो वो रह रह कर क्या गरज रहे थे? बादलों की आवाज़ आ रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। आपने देखा है ना आकाश में बिजली चमकते हुए, वैसे बिजली चमक रही थी। बुलबुल घोंसले में दुबकी बैठी थी, है ना। बुलबुल कहाँ बैठी थी? घोंसले में दुबकी बैठी थी। दुबकी का अर्थ क्या है? घबरा कर बैठी थी। इतनी बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, बादलों का आवाज आ रहा है, इसलिए बुलबुल क्या कर रही थी? घबरा रही थी, और घबरा कर घोंसले में बैठी थी। तीसरे दिन वर्षा रुकी। तीसरे दिन, दो दिन के बाद तीसरे दिन वर्षा रुकी। बादल छटे, है ना, बादल भी गए, काले बादल थे वो गए। बादल छटे,
सूरज निकला और सूरज निकला, मौसम बहुत सुहावना हो गया। अभी भी देखो बारिश हो रही है ना हमारे यहाँ, तो हमें भी अच्छा लग रहा है ना। गर्मी में अभी हमें अच्छा लगता है क्या, कितनी गर्मी होती है, लेकिन सभी जगह देखो बारिश हो गई, सभी जगह हरियाली छा गई, तो हम भी बाहर देखते तो हमें अच्छा लगता है ना, वाह कितना अच्छा मौसम है। वैसे सब वो मौसम कैसा हो गया, सुहावना हो गया। बुलबुल अपने घोंसले से बाहर निकली। बारिश जब ठहर गई तो बुलबुल ने क्या किया, घोंसले से बाहर निकली। उसने दो दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। इतनी बारिश गिर रही थी तो बाहर निकल सकती है क्या बुलबुल, उड़ सकती है क्या? नहीं। बुलबुल क्या है, ये पक्षी का नाम है, वो उड़ सकती है क्या? नहीं, वो घोंसले में ही थी। दो दिन के बाद वो घोंसले से बाहर निकली। उसने दो दिन से कुछ भी खाया नहीं था। उसे तेज भूख लगी थी, उसको बहुत भूख लगी थी। उसने उड़ते उड़ते वह एक बगीचे में पहुंची। कहाँ पहुंची बुलबुल? एक बगीचे में पहुंची। बगीचे में कई फलदार पेड़ थे। बगीचे में क्या थे, बहुत से पेड़ को क्या लगे थे, फल लगे थे, है ना। बगीचे में कई फलदार पेड़ थे। बेलों पर अंगूर लटके रहे थे। क्या लटका रहा था, अंगूर लटक रहे थे बेलों पर। जो अंगूर की बेल थी उस पर क्या था, अंगूर लटक रहे थे। पके जामुनों से डालियाँ लदी थी, है ना। डालियाँ पर क्या थे, पके जामुन लदे थे, है ना। बुलबुल ने एक एक पका जामुन तोड़ा और चोंच में दबाकर घोंसले की तरफ उड़ चली। बुलबुल ने क्या किया, उसमें से एक ही जामुन अपने चोंच में पकड़ा और बुलबुल उड़ने लगी। उसका घोंसला नदी के उस पार था। बुलबुल का घोंसला कहाँ था, नदी के उस पार था। अचानक नदी के किनारे उसकी चोंच से जामुन गिर गया। क्या किया बुलबुल ने, इतनी मेहनत से, है ना, बगीचे में जाकर जो जामुन लिया था, है ना, लेकिन उड़ते उड़ते आते समय, है ना, नदी के किनारे वो जामुन क्या हो गया, गिर गया। उसने नीचे आकर जामुन को खूब ढूंढा। उसने क्या किया, उड़ते हुए नीचे आ गई, ज़मीन पर आ गई बुलबुल, और उसने उस जगह पर बहुत सी ठिकान पर देखा, लेकिन उसको जामुन नहीं मिला। पर जामुन उसको इतना ढूंढा कि उसको जामुन नहीं मिला, है ना। देखो हम यहाँ तक ही अभी लेसन सीखेंगे, ये लेसन आपको घर में पढ़ना है ना। जहाँ तक मैंने आपको लेसन सिखाया है आपको लेसन पढ़ना है, और ये शब्दार्थ भी आपको लिख कर लेने हैं, और इसमें से जो जो आपको कठिन शब्द लग रहे हैं उसको आपको रेखांकित करना है। देखो मूसलाधार वर्षा, बिजली, सुहावना, है ना, दुबकी, है ना, ये शब्द क्या है, खाया पिया, ये शब्द आपको फिर से देखो अपने नोटबुक में लिखो, है ना। लेसन का नाम लिखो, पार्ट नंबर 4, बुलबुल और पेड़, और ये शब्दार्थ लिख कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स।